वेलकम टू पीएमटी कॉलेज। मेरा लेक्चर है, लेक्चर है सेकंड ईयर के लिए। अब इसमें सब्जेक्ट का नाम है वेबटेक एंड ई कॉमर्स, राइट। इसमें हम जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अबाउट का आज का टॉपिक है, वो हमारा है सॉफ्टवेयर फॉर वेब पेज डेवलपमेंट, यानी कि वेब पेज डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो वेब पेज डेवलपमेंट के अंदर जो पहला सॉफ्टवेयर यूज होता है वो यूज होता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की मदद से हम बना सकते हैं पूरी पूरी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं आपको वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के जरिए आपको बहुत सारे प्रीडिफाइंड टूल दिए गए हैं जिनकी मदद से आप वहां पर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करो चीजों को और आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। तो वर्डप्रेस जो है इसको करने के लिए, वर्डप्रेस अगर आपको सीखना है तो इसकी आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए और पीएचपी एंड माईएसक्यूएल, पीएचपी एंड माईएसक्यूएल के बारे में आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए जब आप वर्डप्रेस का यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस जो यूज होता है वो यूज होता है क्रिएटिंग वेबसाइट्स, राइट। द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस इज ए ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म डेवलपिंग पीएचपी लैंग्वेज एंड इट्स अबाउट बिल्डिंग योर वेबसाइट ऑन योर लॉन्चर। तो पीएचपी माईएसक्यूएल डेटाबेस दो, इसके लिए आपको ये पीएचपी और माईएसक्यूएल आनी चाहिए जब भी आप वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एज वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट टूल द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज एज कंटेनमेंट सिस्टम टू सेटअप अ कमर्शियल। तो इसकी मदद से आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस, राइट। मेन फीचर क्या क्या है वर्डप्रेस के लिए, इजी टू इंस्टॉल एंड गेट स्टार्टेड, इसे आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है विद रन ऑफ साइट बिल्डिंग टूल्स इंक्लूडेड। इसके अंदर इनबिल्ट यानी प्री डिफाइंड आपको बहुत सारे बिल्डिंग टूल्स दिए गए जिनकी वजह से आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, साइट बिल्डिंग टूल बहुत सारे हैं इसके अंदर। दूसरा रिच थर्ड पार्टी प्लगइन फॉर द यूज ऑफ एक्सपेक्टेड फीचर्स, आप इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हो, कोई भी आप प्लगइन दे रखी प्लगइन सपोर्ट दे रखी है तो इसकी वजह से आप नई चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हो। वेरियस साइट टेम्पलेट एंड थीम एक्सेट्रा आर फ्री टू यूज, बहुत सारी थीम्स जो फ्री है, फ्री में अवेलेबल है, वो आप थीम अपनी टेम्पलेट जो है थीम्स जो है उन्हें वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हो, बैकग्राउंड में आप थीम्स यूज कर सकते हो, बहुत सारी थीम्स यूज कर सकते हो, वो फ्री है, फ्री अवेलेबल है। नेक्स्ट है सीईओ ऑप्टिमाइज एंड फ्रेंडली फॉर हायर एसईआरकी, जैसे आप सर्च करते हो सर्च करने के लिए सीईओ ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर अच्छा है। तो ये सारे के सारे इसके मेन फीचर्स हैं। रोबस्ट कम्युनिटी सपोर्ट विद थाउजेंड ऑफ डेवलपर कंट्रीब्यूटिंग एंड रिव्यूइंग वर्डप्रेस सेफ एंड एक्टिव, ये एक्चुअली क्या है, ये ओपन सोर्स है तो बहुत सारे डेवलपर यहाँ पर आप जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट एंड अपने रिव्यू वगैरह जो है वर्डप्रेस पर देते हैं, ये सेफ एंड एक्टिव है, राइट। तो ये आप यहाँ पर पहला सॉफ्टवेयर हो गया आपका क्या वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस की मदद से आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, ये यूज होता है बनाने के लिए वेबसाइट डेवलप करने के लिए। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर इसको सबसे पहले अगर आपको वर्डप्रेस सीखना है चलाना है सबसे पहले इसको आप इंस्टॉल करोगे तो आप wordpress.org वेबसाइट पर जाओगे, वहां से आप वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए अबाउट पीएचपी एंड माईएसक्यूएल, पीएचपी एंड माईएसक्यूएल की आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए जबकि आप इस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं चला सकते हैं। तो पहला सॉफ्टवेयर हो गया वर्डप्रेस। अगला सॉफ्टवेयर आता है इसके अंदर ही अडोबे ड्रीमवीवर। अब ड्रीमवीवर वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्थी वेब डेवलपर टूल, इसकी वजह से हम वेब डेवलपमेंट करते हैं। दिस इज द प्रोप्राइटरी वेब डेवलपमेंट टूल फ्रॉम अडोबे सिस्टम अवेलेबल फॉर बोथ मैक, ये अडोबे सिस्टम एक कंपनी है उसका एक ये प्रोप्राइटरी टूल है, ठीक है, उसका अपना टूल है अडोबे सिस्टम का, और ये मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एज वेल एज एंड्रॉइड के लिए दोनों के लिए उपलब्ध है। बिसाइड इट प्रोवाइड अ नाइस एनवायरनमेंट फॉर यू टू वर्क ऑन द वेब विच कंबाइन विद द कोड एडिटर अलोंग विद अलाइज यू अनदर कूल थिंग इज द सॉफ्टवेयर ऑफर फ्री ट्रायल विच गिव यू सम टाइम टू एक्सपेरिमेंट। अडोबे का जो ये ड्रीमवीवर है इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ये कुछ समय के लिए आपको फ्री में आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद इसका ट्रायल पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपको इसको पे करना पड़ेगा, राइट। मेन फीचर क्या है, इट ऑफर्स एन अडेप्टिव इट इनेबल्स यू टू राइट एंड एडिट एनी कोड, इसके ऊपर कोई भी कोड आप लिख सकते हो उसे एडिट कर सकते हो, विच इंक्लूड जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया, एचटीएमएल का कोड हो गया, सीएसएस का हो गया, एक्सएमएल हो गया, ये सारे कोड इसके अंदर लिखे जा सकते हैं। इसके अंदर एडिटर आपको दिया गया है ड्रीमवीवर के अंदर,
उस पर आप ये सारे कोड लिख सकते हो और उन्हें एडिट भी कर सकते हो. इट्स इंटरफेस लेट्स यू व्यू हाउ द एंड विल लुक लाइक व्हाइल क्रिएटिंग. डिफरेंट इंटरफेस होता है वो आपको दिखा देता है कि जो आपने लिखा उसको रखकर भी आप देख सकते हो कि ये कैसे नजर आएगा, ये कैसे नजर आएगा. बूटस्ट्रैप नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है बूटस्ट्रैप. तो पहला हो गया आपका, क्या हो गया पहला वर्डप्रेस. किस लिए वर्डप्रेस यूज हो रहा है? वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए. दूसरा हो गया आपका अडोबे का ड्रीमवीवर. नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आ गया आपका बूटस्ट्रैप. द मोस्ट पॉपुलर एचटीएमएल जीएस लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड. बूटस्ट्रैप क्या है? एक जीएस लाइब्रेरी है. एचटीएमएल की सीरीज की जीएस लाइब्रेरी थी. और बूटस्ट्रैप के अंदर क्या लाइब्रेरी सेट ऑफ क्लासेस हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, बनी बनाई क्लासेस हैं जिन्हें बूटस्ट्रैप के अंदर यूज करते हैं. बूटस्ट्रैप इज अ फ्री और ओपन सोर्स सीएस फ्रेमवर्क डायरेक्टेड एंड रेस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट. इट कंटेन्स सीएसएस बेस्ड एंड जावास्क्रिप्ट बेस्ड डिजाइन टेम्पलेट. इसके अंदर बनी बनाई टेम्पलेट होती है जिनका आप अपने डिजाइनिंग में यूज कर सकते हो, जिनका आप अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज कर सकते हो. फॉर फॉर्म्स बटन नेविगेशन एंड अदर इंटरफेस कंपोनेंट एज ए पॉपुलर एंड पावरफुल फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप इज डिजाइन फॉर फ्रंट एंड डेवलपर टू मेक ब्यूटीफुल डिजाइन फॉर वेबसाइट. बूटस्ट्रैप जो बनाएगा इसके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तैयार करने के लिए. इसकी वजह से आप बहुत ब्यूटीफुल इंटरफेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप. विद द मोस्ट एडवांस डेवलपमेंट फीचर बूटस्ट्रैप इज वेल रिसीव्ड बाय टेक्निकल यूजर अराउंड द वर्ल्ड. मेन फीचर का मेन फीचर है इसके आगे एग्जाम्पल लाइब्रेरी ऑफ फ्री बूटस्ट्रैप फॉर टेम्पलेट एंड एग्जाम्पल. आपको एक बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी, रिच लाइब्रेरी मिलेगी जिसके अंदर आपको फ्री बूटस्ट्रैप फॉर्म टेम्पलेट मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे इंक्लूडिंग कस्टम कॉम्पोनेंट फ्रेमवर्क एक्सेट्रा. टीम फीचर्स एंड मल्टीपल सपोर्ट ऑप्शन वहां पर आपको प्रोवाइड करेंगे. तो बूटस्ट्रैप की मदद से बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा फीचर है पोर्टेबल. अगर आपको यह करना है अपनी वेबसाइट पोर्टेबल बनानी है, अगर पोर्टेबिलिटी क्या होती है, पोर्टेबिलिटी ये होती है कि आपकी कोई वेबसाइट है आप ही चाहे हुई ऐसी वेबसाइट ओपन हुई है आपकी वेब पर यानी कंप्यूटर के ऊपर, ऐसी आपकी वेबसाइट चले इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर, तो उस केस में आपको अपने वेबसाइट के अंदर पोर्टेबिलिटी यूज करनी पड़ेगी. जो पोर्टेबिलिटी जो यूज होगी वो यूज होगी विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप. तो बूटस्ट्रैप की मदद से जैसे आपकी वेबसाइट आप चाहे अपनी वेबसाइट कंप्यूटर पर हो चाहे आपकी वेबसाइट आप डिवाइस पर बोलो यानी मोबाइल पर बोलो वो सेम नजर आएगी. तो वो होता है इसकी मदद से बूटस्ट्रैप की मदद से. बूटस्ट्रैप आपको ये पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप अपनी वेबसाइट को एक बार किसी भी जगह बनाकर उसको फिर किसी भी डिवाइस पर बोल सकते हो. आपने देखा मॉनिटर कितने इंच का होता है और डिवाइस कितने इंच का होता है, उसमें पोर्टेबिलिटी हो जाती है. वो चाहे किसी भी डिवाइस किसी भी साइज के डिवाइस पर खुले खुलेगी सेम, जैसे कंप्यूटर पर खुल रही है ऐसे ही वो छोटे से डिवाइस पर खुलेगी. दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी. तो इसके लिए बूटस्ट्रैप मोस्टली यूज होता है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री टू अवेलेबल, फ्री टू यूज, फ्री टू डाउनलोड, फ्री टू यूज एंड फ्री टू डाउनलोड. इस टाइम के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंपनी के होते हैं जो प्रोप्राइटरी होते हैं. उसमें आप उसमें क्या होता है कि कुछ कंपनियां फ्री में प्रोवाइड कराती हैं, कुछ कंपनियां उसको एक ट्रायल वर्जन देती है उस सॉफ्टवेयर का. तो सारे के सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. जब इसमें अडोबे का ड्रीमवीवर आया वो क्या है, वो प्रोप्राइटरी है. प्रोप्राइटरी वो अडोबे सिस्टम का है. तो उसमें जो कंपनी का मालिकाना है वो अडोबे सिस्टम का होगा, उसकी बनती है. वो फ्री में देगा आपको या ट्रायल वर्जन में. जो अडोबे का होता है वो ट्रायल वर्जन में आता है, वो कुछ टाइम के लिए तो फ्री रहेगा, उसके बाद आपको पेड करना पड़ेगा, फिर आप उसको यूज कर सकते हो. राइट, तो ये प्रोप्राइटरी होते हैं. राइट, ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स लाइफ टाइम फ्री होते हैं, फ्री टू डाउनलोड, फ्री टू यूज. राइट, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स. यहाँ पर कोड पेन क्या है? कोड पेन भी क्या है? ऑनलाइन कोड एडिटर है और ओपन सोर्स है. लाइफ टाइम ये आपके लिए क्या रहेगा? फ्री रहेगा, आप इसे फ्री में यूज कर सकते हैं, फ्री टू डाउनलोड, फ्री टू यूज. तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. आप ये एडिटर का काम करता है, इसके ऊपर कोड पेन को डाउनलोड करके आप कोड पेन के ऊपर कोड को राइट कर सकते हो, कोड को कोड पेन के ऊपर राइट कर सकते हो.
कोई भी कोड है, एचटीएमएल कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, सीएसएस कोड है, सारे कोड कोड पेन के ऊपर लिखे जा सकते हैं। कोड पेन इज अ वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू बिल्ड टेस्ट एंड डिस्कवर फ्रंट एंड कोड, टू लर्न एंड डिबग, इट्स फ्रेंडली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर फ्रंट एंड डिजाइनर। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तैयार हो रहा है, फ्रंट एंड क्या कहलाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फ्रंट एंड होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है बैक एंड। तो फ्रंट एंड में आपका आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो यूजर को दिखाई देता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या आएगी? पूरी कंप्लीट डिजाइनिंग आएगी। डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं एचटीएमएल, सीएसएस और आपकी जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज में आते हैं, राइट। तो कोड में एडिटर है, एडिटर के ऊपर आप इन लैंग्वेज को यूज करके जैसे एचटीएमएल यूज करी या आपने जावास्क्रिप्ट यूज करी, सीएसएस यूज करी, वो कोड आप वहां पर लिख सकते हैं। इसके मेन फीचर क्या है? द बिल्ड एंड टेस्ट एडिटर अलाउ यू टू सी एंड टेस्ट द कोड यूजिंग मल्टीपल मेथड। आप इस एडिटर पर कोड को लिखकर वहीं पर रन करके देख सकते हो कि इसका इंटरफेस किस तरह से बना, आउटपुट कैसा आया, राइट। उसके बाद तो बाद में वो क्या होगी, जब वेबसाइट बन जाएगी तो बाद में पोस्ट होगी तो आउटपुट बाद में आएगा, पहले आप उसे देख सकते हो कि क्यों कैसे कर रही है। एज डेवलपर एंड डिजाइनर टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ द वेबसाइट इज बिल्ड एंड हाउ कोड वर्क्स। ये एडिटर काम में आता है, इससे डेवलपर जो होता है, डिजाइनर जो होता है, वो आसानी से समझ सकता है कि कैसे वेबसाइट डेवलप हो रही है एंड कैसे कोड काम करेगा। फाइंड इंस्पिरेशन एंड शेयर वर्क्स विद द फ्रंट एंड कम्युनिटी। इसमें आप फ्रंट एंड कम्युनिटी के साथ अपना जो आपने काम किया उसको आप शेयर कर सकते हो और कुछ एग्जाम्पल भी है उनके द्वारा दिए हुए, उन एग्जाम्पलों को, उनके दिए हुए कोड को आप यूज भी कर सकते हो। उनका बनाया कोड आपको मिल जाता है, कोड पेन पे आप डालोगे नेट पे कोड पेन, तो वहां पर आपको मैंने बताया कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है या आपको कोई साइन इन फॉर्म बनाना है या आपको लॉग इन फॉर्म बनाना है या साइन आउट फॉर्म बनाना है, तो इस तरह के फॉर्म के बहुत सारे एग्जाम्पल वहां पर है। वहां उन एग्जाम्पलों को आप वहां से देख भी सकते हैं, उन्हें कॉपी भी कर सकते हैं और उन्हें अपने कोड में पेस्ट करके यूज भी कर सकते हैं। तो कोड पेन इस तरीके से यूज हो रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या, ये सारे के सारे हमारे टूल्स है जो हम यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, वेब पे डिजाइन करने के लिए या वेबसाइट बनाने के लिए। नेक्स्ट है गिटहब, बहुत फेमस है गिटहब, द वर्ल्ड्स लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गिटहब। इफ यू डोंट नो गिटहब यू आर नॉट अ ट्रूली क्वालिफाइड डेवलपर। अगर आप गिटहब के बारे में नहीं जानते तो आप एक अच्छे डेवलपर नहीं हो। एज अ डेवलपमेंट एनवायरमेंट कनेक्ट ओवर 40 मिलियन डेवलपर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अंदर 40 मिलियन लोग जो है वो जुड़े हुए हैं, इसमें हर काइंड का आपको कोड मिल जाएगा गिटहब पर। एंड प्रोवाइड द इंस्पिरेशन फॉर देम टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, हाई क्वालिटी सॉल्यूशन एंड ओपन सोर्सेस। सबसे अच्छा आप डेवलप, जब आप कोई चीज डेवलप करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि हम लोग कैसे करें या हम लोग को कैसे बनाएं या इस लैंग्वेज के अंदर ये वाला कोड है, आप पढ़ने के लिए कुछ काम हो गया तो वहां फंस गए, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। वहां का सोल्यूशन आपको गिटहब पर मिल जाता है। ये प्रोवाइड कराता है बेस्ट सोल्यूशन, हाई क्वालिटी सोल्यूशन एंड ओपन सोर्स है। ऑल्सो ये ओपन सोर्स है गिटहब जो है, इट ऑफर सर्विसेज सच एज कोड रिव्यू, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बग ट्रैकिंग फॉर एवरी प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड करता है। मेन फीचर बिल्ड इन रिव्यू टूल प्रोवाइड्स सीमलेस कोड रिव्यू, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हेल्प टू आइडेंटिफाई असाइन एंड कीप ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस। कनेक्ट विद 40 मिलियन लाइक माइंडेड डेवलपर, बहुत सारे डेवलपर से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो डेवलपर जो होगा उसका जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन देता है, राइट। तो ये सारा काम होता है किस पे, गिटहब पर। गिटहब भी क्या है, ओपन सोर्स है। नेक्स्ट है फोटोशॉप, नाम भी सुना होगा, फोटोशॉप यूज होता है। बेस्ट फोटो इमेज एंड डिजाइन एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बिकॉज फोटोशॉप इज एन एसेंशियल वेब डेवलपमेंट टूल दीज डेज, मोर पीपल आर बीइंग इंटरेस्टेड टू मास्टर द सॉफ्टवेयर विद इट्स पावरफुल फीचर, इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेबसाइट बिल्डिंग। आपने देखा होगा कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो वेबसाइट के अंदर होता है वो होता है इमेजेस, वो होता है इमेजेस। इमेज का साइज हमें कम से कम छोटा रखना पड़ता है जिससे कि हमारी वेबसाइट क्या हो जाए, हमारी वेबसाइट हल्की रहे, हमारी वेबसाइट का साइज स्मॉल रहे, हमारी वेबसाइट इतनी लोडेड ना हो जाए जिससे कि वो जब चले तो जब वेब पेज लोड होता है तो उसमें टाइम ना लगे। आपने भी देखा होगा कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जब आपने डाल दिया तो वो खुलने में 5 मिनट ले रही है, 4 मिनट ले रही है, 3 मिनट ले रही है, तो वो उनका ड्रॉबैक है, वो उनका ड्रॉबैक है। वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि डाली तो वो मिनिमम 50 सेकंड या 1 सेकंड 1 मिनट में वो ओपन हो जाए, है ना।
फिर भी उधर इतने टाइम लगे जा सकता है। तो उसमें क्या है कि इसमें फोटो का बहुत बड़ा रोल होता है। जो फोटो होते हैं वो फोटो किसी वेबसाइट की आप मान के चलो वो उसकी बोन है, बैकबोन है, जो इमेजेस हैं वो बैकबोन होती है वेबसाइट की। तो इमेजेस जरूर लगाई जाती है हर वेबसाइट पे, तो उन्हें हमका साइज जो है वो हमेशा कैसा रखा जाता है मिनिमम, जिससे कि वो जो हमारी वेबसाइट है वो होस्ट हो रही है और जब यूजर उसको चला रहा है तो वो कम से कम टाइम ले लोड होने में, राइट। तो उसके लिए फोटोशॉप यूज होती है। मेन फीचर क्या है, क्रिएट एंड एनहांस फोटोग्राफ्स एंड 3D आर्टवर्क, डिजाइन वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, वेबसाइट बनाने के मोबाइल ऐप बनाने के लिए काम आती है, एडिट वीडियोस, रियल लाइफ पेंटिंग एंड मोर, उनका ये काम होता है, राइट। नेक्स्ट होता है एंगुलर जेएस, एक्सीलेंट फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है एंगुलर जेएस, बहुत पॉपुलर हो रहा है एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, आजकल जावास्क्रिप्ट बहुत यूज हो रही है और एंगुलर जेएस से ज्यादा यूज हो रहा है, एंगुलर जेएस डिमांड में मार्केट में। एंगुलर जेएस इज एन एक्सीलेंट फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड इन मेनी गूगल प्रोडक्ट इज अ लाइब्रेरी डन इन जावास्क्रिप्ट, लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की लिखी हुई है, विच कैन बी एडेड टू एन एचटीएमएल पेज बाय स्क्रिप्ट टैग, राइट। एचटीएमएल भी यूज करते हैं, इसके अंदर हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करके जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं, तो हम इसको अपने कैसे यूज कर सकते हैं एंगुलर जेएस को, एंगुलर जेएस के अंदर बहुत सारा कोड है, सिंपल सा कोड बता रहा हूं, जो हमारा एचटीएमएल फील्ड होता है कर रहा है या पब्लिश करने से पहले अपनी वेबसाइट को आप उस पर ये चेक कर सकते हो कि
किस तरह से ये हम उसको दिखाई देंगे, तो उसके लिए आपको कोड पेन पर आप अपना कोड लिख सकते हो। नेक्स्ट है गिटहब। गिटहब एक ओपन सोर्स है और गिटहब के ऊपर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो आप वहां पर डाल दीजिए, वहां पर आपको सलूशन मिल जाएगा और कुछ बने बनाए कोड, कुछ बने बनाए प्रोजेक्ट फ्रीली अवेलेबल है गिटहब पर, उनका आप यूज कर सकते हो डाउनलोड कर। नेक्स्ट है फोटोशॉप। फोटोशॉप की मदद से आप फोटो अपने फोटो को अच्छी तरह से एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, वो यूज होती है किसमें, एचटीएमएल के साथ, यानी वेब पेज डिजाइन में क्या यूज करते हैं, एचटीएमएल यूज करते हैं। एचटीएमएल में कैसे यूज करेंगे, एचटीएमएल के अंदर हेड टैग यूज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, यहाँ पर हम एंगुलर जेएस का कोड लिखेंगे। तो इस तरह से एंगुलर जेएस जो है वो हमारे एचटीएमएल के पेज का यूज हो जाएगी। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमने क्या यूज कर लिया, एंगुलर जेएस। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर थे जो हम यूज करते हैं इसके लिए वेब पेज डेवलपमेंट के लिए। ओके।